हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स कैसे हैं आप सब जब आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो अक्सर आप भी अटक जाते होंगे कि इज का मीनिंग क्या होता है आर का मीनिंग क्या होता है कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश सेंटेंस में जिनका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता बस वो सेंटेंस में होते हैं फॉर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर देयर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसी तरह की कुछ वर्ड्स इज एम आर शुड वुड कुड शल कैन बी बीन इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हैव हैज जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर में सीखते हैं इन वर्ड्स का यूसेज क्या है और ये वर्ड्स क्या होते हैं एक्चुअल में अब ये वाला सेंटेंस देखिए ही इज पेंटिंग द वॉल या फिर दे आर पेंटिंग द वॉल इसमें ये जो एक्चुअल वर्ब है पेंटिंग पेंट paint करना वॉल को पेंट करना ये काम है ये एक वर्ब है एक्शन वर्ड जिसे हम कहते हैं ये मेन वर्ब होता है और हमेशा मेन वर्ब के आगे एक हेल्पिंग वर्ब होता है छोटा सा वर्ब होता है जिसको हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब इस तरह के नामों से जाना जाता है तो ये सारी जो ईज एम आर हैव, हैज ये जो बच्चे सीखते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में फ्रॉम क्लास वन इन सबको हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है इन वर्ड्स का कुछ मीनिंग नहीं होता ये जस्ट इन्फॉर्मेशन एड करते हैं सेंटेंस में जो वर्ब है जो काम है जिसके बारे में आप सेंटेंस में बात कर रहे हैं उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो देते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखो ईज आर तो ईज का कोई मीनिंग नहीं है आर का भी कोई मीनिंग नहीं है बट दे एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट टेंस टेंस के बारे में बताते हैं कि ये सेंटेंस पास टेंस का है प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है इस तरह से जैसे कि यहाँ पे है शल देन आप किसी काम के रिलेटेड क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं यूजिंग डू या फिर कुड ये वाली वर्ड्स के साथ इसी तरह से अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है डू डू नॉट डज नॉट इस तरह से तो ये सारी जो सेंटेंस uh, होती है नेगेटिव में क्वेश्चनिंग में या टेंस बताने के लिए इस तरह की चीजों के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं एक्चुअल में इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता दे आर देर इन द सेंटेंस फॉर ग्रामेटिकल पर्पज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए सेंटेंस uh, में होते हैं और साथ ही ये जो मेन वर्ब होते हैं दूसरे uh, पेंटिंग प्लेइंग स्टैंडिंग इन मेन वर्ब्स को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये सेंटेंस में प्रेजेंट होती है सो so, ये जो वर्ड्स है ये मेन वर्ब्स होती है और साथ उनके होती है हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कुछ को मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं कुछ को मॉडल वर्ब्स कहते हैं बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स है जिसको बच्चे ग्रेड वन से ही स्टार्ट करते हैं सीखना लुक एट दीज सेंटेंसेस शी इज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग। अब इन सेंटेंसेस में इज और वॉज ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जिसके थ्रू आपको इनकी टेंस के बारे में पता चल रहा है कि सेंटेंस पास टेंस का है प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है जैसे कि शी इज क्राइंग वो अभी रो रही है शी वॉज क्राइंग वो रो रही थी यानी कल या सुबह रो रही थी अभी नहीं रो रही है तो इज एंड वॉज टेंस के लिए यूज होता है टेंस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है इसी तरह से सी माई स्कूल हैज लार्ज विंडोज डू यू पेंट क्वेश्चन करने के लिए डू यूज कर रहे हैं हम नेगेटिव सेंटेंस आई डू नॉट प्ले क्रिकेट नेगेटिव सेंटेंस के लिए डू नॉट यूज कर रहे हैं अगेन शी कैन रीड फ्रेंच रीड यहां पे मेन वर्ब है और कैन होगा इसका हेल्पिंग वर्ब शी कैन रीड फ्रेंच एबिलिटी बताने के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए मे आई कमेन आई बाय अ न्यू बुक ार्ड किसी को आप कुछ सजेस्ट कर रहे हो यू शुड वर्क हार्ड तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है इनके अपने आप में कुछ मीनिंग नहीं होती बट इनका पर्पज होता है टू हेल्प द मेन वर्ब इन देंटेंस हियर सो ये सारी हेल्पिंग वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चे बहुत ग्रेड वन से ग्रेड टू से ही सीखते आते हैं सी इज एम आर कितना इम्पोर्टेंट होता है अगर बच्चे ही इस राइटिंग के बजाय आर राइटिंग लिखेंगे तो ग्रामेटिकली कितना रॉन्ग होगा सुनने में भी और लिखने में भी सो so अगर आप चाहते हैं कि आपको या बच्चों को इंग्लिश सेंटेंसेस प्रॉपर फ्रेम करना आए ग्रामेटिकली सो so, ग्रामेटिकली सो so यू हैव टू लर्न ऑल दिस हम खुद बड़े भी हमेशा हैव एंड हैज डू एंड डस से मिस्टेक करते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करें आई के साथ हम हैव यूज करें हैज यूज करें इस तरह से हमें भी कन्फ्यूजन होता है बट बेसिक चीजें जो आनी चाहिए अक्सर हम यहीं पे मिस्टेक करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स रिलेटेड ही मिस्टेक्स होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर ये करेक्ट हो जाए तो सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगी सो हेल्पिंग वर्ब्स की मीनिंग नहीं होती दे आर देयर ओनली टू हेल्प द मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस टू शो द टेंस या फिर क्वेश्चनिंग के लिए नेगेटिव सेंटेंस प्रेप करने के लिए कोई पॉजिबिलिटी बताने के लिए तो इस तरह का छोटा मोटा कोई पर्पज होता है बट मेन पर्पज है कि वो हेल्प करते हैं मेन वर्ब की इन द सेंटेंस सो पता हो गया ना आपको कि ये सारी वर्ड्स क्या होती है तो so, जब भी आपसे कोई पूछे कोई इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए अगर आपको ईज का मीनिंग नहीं पता तो आप उनको कह सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है और इसके बिना जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा इंग्लिश में सो so, ये था अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स जो बच्चे क्लास वन क्लास टू से ही सीखना स्टार्ट करते हैं सो so, ये था ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करे शेयर करे और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस